लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में दर्जनों दलाल जो टिकट बेचने, पद बेचने, डेलीगेट बेचने, संगठन बेचने और जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या करने के काम किया गया है। विगत दो विधानसभा का जो चुनाव हुआ इसमें टिकट बेचा गया जिसके कारण कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया और ये सब के पीछे बिहार कांग्रेस का वर्तमान प्रभारी भक्षरण दास, वर्तमान अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत सभी कार्यकारी अध्यक्ष और चुनाव अभियान समिति में ये सारे लोग जो है पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिए। जमीन स्तर पर बूथ का संगठन, पंचायत का संगठन, ब्लॉक का संगठन, जिला का संगठन, इन लोगों के कारण ये लोग जो हमेशा से टिकट, पद और डेलीगेट भेजने का काम करते रहे हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का उपेक्षा करने का काम किया जाता रहा है जिसके कारण आज स्थिति हुआ। ये लोग लालू, नीतीश और भाजपा का बी टीम है। इन लोगों का इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं। नैतिकता के आधार पर जो जमानत जब्त हुई है उसको देखते हुए ये लोग अविलंब इस्तीफा दे और आपके माध्यम से अपने आला कमान आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से मांग आज हम लोग कर रहे हैं। पूरे बिहार के जमीनी स्तर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। हम लोगों का मांग है कि अविलंब इन लोगों को जो पदधारी बने हुए हैं जिनके कारण कांग्रेस दिनों दिन डैमेज होता जा रहा है, इन लोगों को पदमुक्त करते हुए बिहार कांग्रेस की जिम्मेवारी सेकेंड लाइनर कार्यकर्ताओं को सौंपा जाए जिसमें हर जात, हर वर्ग, हर जिला प्रमंडल को शामिल किया जाए जिससे कि आने वाला 2024-25 में कांग्रेस फिर से अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के बदौलत आम जनता में, गांव गरीब किसानों के बीच में जा कर के कांग्रेस को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं जो इन दलालों के कारण लंबे समय से कांग्रेस डैमेज होता रहा है। इसी को लेकर करके हम लोगों का मांग है कि अविलंब इन लोगों को पदमुक्त किया जाए। राजकुमार शर्मा, राष्ट्रीय संयुक्त संयोजक, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इंचार्ज बिहार।